years ago or 30 years ago was able to offer its capabilities to train our Saudi brothers in various walks of life, Saudi Arabia today is far more experienced and has immense potential of experts to train Pakistani brothers and sisters in various walks of life. Absolutely a reality which I have seen and observed in Saudi Arabia myself. And they are ready to support us all the way. सऊदी अरब सात दहाइयों से पाकिस्तान का साथ दे रहा। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान की हर सतह पर मदद करने के लिए तैयार हैं। सऊदी सरमायाकारों का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों के लिए मुफीद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी सरमायाकारों के एजाज में इशाइये से खिताब, कहा ज़रात आईटी और टेक्नोलॉजी के शोबों में सऊदी सरमायाकारी को सराहते हैं। SIFC सरमायाकारी के लिए अहम खिदमात अंजाम दे रही। सऊदी कंपनीज पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाएं। हुकूमत सरमायाकारी की राह में हायल रुकावटें दूर करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब के आगाज में अरबी में खिताब किया। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का रवामा दौरे पाकिस्तान मुतवक्के। सऊदी सरमायाकारों की पाकिस्तान से वापसी पर वलीअहद के दौरे को फाइनल किया जाएगा। दौरे के दौरान सरमायाकारी तजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में माहदे किए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मोहम्मद बिन सलमान को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तोहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस बाबर का सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का खत को तोहीन अदालत केस में तब्दील करने का फैसला। समाअत के लिए आज बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान। आज केस को डायरी नंबर लगाकर बेंच तश्कील दिया जाएगा। कमीशन का काम कैसे करता है? ठीक है, ये ऐसे करना है काम। कोई आप स्पेसिफिक इंक्वायरी करें, ये तो ऑफिस से निकले ही नहीं, कि कहां बैठे थे ये लोग। जबकि एक सुप्रीम कोर्ट का जज बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री तक गया। बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं। उन्होंने रिपोर्ट दे दी, एक कहा था कि रिपोर्ट दे दो, हमने दे दी रिपोर्ट। एसरटेन भी कर दिया, डिटर्मिन भी कर दिया, रिकमेंडेशंस भी दे दिए, सब कुछ कर दिया। तो ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी लिख रहे हैं बस। वो भी गलत मुहावरे पे एक मुहावरा के ऊपर दूसरा मुहावरा, तीसरा मुहावरा। लगता है धरना कमीशन का मकसद फैज हमीद को क्लीन चिट देना था। चीफ जस्टिस तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर बरहम, रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं पा रहा किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की है। कमीशन को मालूम ही नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या थी। कमीशन ने फैज हमीद के बयान की बुनियाद पर ही रिपोर्ट तैयार कर दी। ये ऐसे ही है कि चोर से पूछा जाए तुमने चोरी तो नहीं की। क्या फैज हमीद को जाती हैसियत में बुलाया गया था? कमीशन ने तो अपने फैसले में फैज हमीद का नाम तक नहीं लिखा। रिपोर्ट में सुबाइत की झलक नजर आती है। कमीशन कैसे कह सकता है मुजाहिरीन को पंजाब में रोकना चाहिए था? धरने से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह ही नहीं। आग लगाओ मारो ये अब कुछ लोगों का हक बन गया है। हैरानगी की बात है तहरीके लब्बैक के किसी रुकन का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की ये कमीशन ने नहीं बताया। रिपोर्ट में कहीं TLP का जिक्र नजर नहीं आ रहा, कहीं भी फाइंडिंग्स नजर नहीं आ रही। फैसाबाद धरना केस के फैसले पर अमल होता तो शायद 9 मई का वाकया ना होता। वफाकी हुकूमत ने कानून साजी क्यों ना की? क्या एक और 9 मई का इंतजार हो रहा है? रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी, अब सरकार जाने पब्लिक करनी है या नहीं? धरना नजरसानी केस की समाअत का हुक्मनामा जारी। मखसूस नशस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने सुनी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर रहे। फैसलों की मुअत्तली सिर्फ अजाफी सीटें देने की हद तक होगी। आज़ाद उम्मीदवारों की नशस्तें दीगर सियासी जमातों में नहीं बांटी जा सकती। हमें अवामी मैंडेट की हिफाजत करना है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, कहा लिखा इंतखाबी निशान ना मिलने पर सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती। एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए
मामला कमेटी को भिजवा दिया। केस की समाअत 3 जून से रोजाना होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 75 कौमी और सूबाई नशिस्तें मुतासर होने का खदशा। 23 कौमी और 52 सूबाई नशिस्तें मुतासर होंगी। हुकूमत का मखसूस नशस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म पर तहफ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर दारड़ कहते हैं आईनी तशरीह का मामला है, अबूरी हुक्म भी लार्जर बेंच से जारी होना मुनासिब होता। 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करता तो बेहतर होता। पार्लियामान की कानून साजी के इख्तियार के मामले में हुक्म इम्तना से एतराज़ बढ़ता जाना चाहिए था। उम्मीद है हतमी फैसले में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशस्तों के लिए लिस्ट जमा नहीं करवाई। मुल्क आइन पर चलता है, किसी की ख्वाहिशात पर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी डायरेक्शन दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई। फैसला हमारे मौकिफ की ताइद है। हमारे किसी से मुजाकरात नहीं हो रहे। इस फैसले का मुजाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुअत्तल अरकीन किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं ले सकते। हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए अक्सरियत नहीं रही। सलमान अकरम राजा बोले आइन को बिगाड़ने वालों को आज शिकस्त हुई। अदलिया आइन पाकिस्तान और जमहूरियत के साथ खड़ी है। पंजाब की निगरान हुकूमत का गंदम मामले से कोई ताल्लुक नहीं। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है, बैरून मुल्क से नहीं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं सुबह अपना कोटा बताता है और इम्पोर्ट का फैसला वफाकी हुकूमत करती है। कुछ लोगों की ख्वाहिश है मेरे खिलाफ इंक्वायरी हो लेकिन उनको मायूसी होगी। नून लीग 28 मई को नवाज शरीफ को पार्टी सदर मुंतखब करेगी। यौम तकबीर पर मुस्लिम लीग नून की जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास 11 मई को होगा। उधर मॉडल टाउन लाहौर में नवाज शरीफ की जेर सदारत अहम इजलास। गंदम बहरान मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और तंजीम नौ पर तबादला ख्याल। गंदम स्कैंडल में अनवारुल हक काकड़ और मोहसिन नकवी मुलविस हैं, ये तो सीधा सीधा नैब का केस बनता है। अनवारुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी से गुफ्तगू में फॉर्म 47 की धांधली को तस्लीम किया। अपोजिशन लीडर उमर यूब की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के वफाकी हुकूमत में शमूलियत के सवाल पर कहा मुंतजर हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में से कौन पहले पीठ में छुरा घूमता है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से गुफ्तगू में कहा दुनिया को पाकिस्तान में आइन और कानून की पासदारी को इज्जत देना होगी। आइन और कानून की पासदारी होगी तो लंदन प्लान होगा ना इंजीनियर्ड 9 मई। चेयरमैन पीएसी पर तहरीक इंसाफ के बदलते बयानात। शेख वकास अकरम को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने का फैसला। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने नाम की मंजूरी दे दी। उधर शेर अफजल मरवत का मामला बानी पीटीआई के सामने रखने का ऐलान। कहते हैं बानी पीटीआई ने अपना फैसला तब्दील किया ना सियासी कमेटी को रेफर किया। आज मुलाकात करके इनके नाम पर होने वाले फ्रॉड से आगाह करूँगा। अवाम की खिदमत का एजेंडा हर सूरत पूरा किया जाएगा। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब भर में तायुनात होने वाले असिस्टेंट कमिश्नरों से गुफ्तगू। कहा अवाम की खिदमत अफसरों की जिम्मेदारी ही नहीं फर्ज अवलीन है। अफसर अवाम के लिए दरवाजे खुले रखें। मरियम नवाज का सऊदी तजारती वफ़ की आमद का भी खैर मकदम। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंसदाद मनुष्यात की मुहिम। लाहौर में मनुष्यात सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा जॉर्डन गैंग गिरफ्तार। करोड़ रुपए की मनुष्यात बरामद। वज़ीर आला की पुलिस टीम को शाबाश।
अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की कायद हिजब इख्तलाफ उमर अयूब से मुलाकात। मुलाकात में चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, असद कैसर और रौफ हसन भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू में उमर अयूब ने कहा, मुल्क की मामलात में किसी दूसरे की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। बानी पीटीआई को लंदन प्लान के तहत हटाया गया। अमरीकी सफीर या किसी भी गैर मुल्की के सामने अपने तहफ्फुज़ात नहीं रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी की कोयटा आमद, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। सदर जरदारी का कहना है, बलोचिस्तान के मसाइल सियासी डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए, सूबाई हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। बलोचिस्तान के मादनी वसाइल को जदीद तरीके से निकालने की जरूरत है। और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार शबीर राणा को दुनिया से रुखसत हुए एक साल हो गया। मरहूम ने चार दहाइयों से ज्यादा अरसा टीवी ड्रामों में काम किया। महमूदाबाद की मलिकाएं, कैद-ए-तन्हाई, बे इंतहा उनके मकबूल ड्रामे हैं।